यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। प्रयागराज जिले के रीवा राजमार्ग पर हर्रो टोल प्लाजा पर पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए महिला कर्मचारी द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आने के बाद 12 तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर अधिवक्ता संघ 12 के अध्यक्ष सीपी द्विवेदी, महामंत्री रत्नाकर सिंह ने उप जिलाधिकारी 12 को एक ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ता संघ ने मांग किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर तहसील 12 क्षेत्र में संचालित टोल प्लाजा उमापुर वहारोमी क्षेत्र की सम्मानित नागरिक, अधिवक्ता व पत्रकार से आए दिन टोल कर्मी अभद्रता करते हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से किया जाता है परंतु कोई कार्यवाही नहीं होती है। उल्टा शिकायत करने वाले के ऊपर कार्यवाही की जाती है, जो विधि विरुद्ध है। विगत दिनांक 19 फरवरी 2024 को टोल कर्मचारियों ने स्थानीय पत्रकार से मारपीट कर मोबाइल फोन, आईडी कार्ड, नकद रुपए छीन लिया है, जो बहुत निंदनीय है। टोल टैक्स कर्मचारियों के बर्ताव से आम जनमानस में बहुत आक्रोश है। आए दिन महिलाओं को आगे करके सम्मानित नागरिक से मारपीट करते हैं, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? ये विचारणीय है। हम सब समाज के बुद्धिजीवी नागरिकों का सम्मान खतरे में है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व महामंत्री ने अधिकारियों से मांग किया है कि टोल कर्मी की गुंडई बंद कराया जाए, क्योंकि ये अधिकार टोल कर्मी को कहां से मिला है कि मारपीट करे, किसी को बेइज्जत करे। कुछ अधिकारियों का प्रेम टोल कर्मियों के साथ है, उसे छोड़कर न्याय करे। क्षेत्रीय सम्मानित नागरिक के सम्मान से खिलवाड़ हुआ तो जन आंदोलन होगा। वहीं एसीपी 12 ने कहा कि टोल कर्मियों के साथ महिला कर्मी के उप मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच कराई जा रही है। मंगला प्रसाद पटेल, प्रयागराज करछना से लालचंद प्रजापति की खास रिपोर्ट। ए, रुके।